हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस पीजी चैनल में। आज हम बात करेंगे RDBB यूनिवर्सिटी ओपन बुक सिस्टम एग्जाम सेंटर लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी एक अपडेट सामने निकल कर आ रही है RDBB यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, जो आपकी ओपन बुक सिस्टम से जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी एग्जाम सेंटर की लिस्ट आ चुकी है, परीक्षा केंद्रों की आपकी सूची आ चुकी है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि आपकी जो आंसर शीट होंगी दोस्तों, उन आंसर शीट को आपको इन्हीं एग्जाम सेंटर में आपको सबमिट करना है और कहीं सबमिट नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर के जो ओपन बुक सिस्टम से जो परीक्षाएं होने वाली हैं जून 2021 में, उनकी उत्तर पुस्तिका जमा करने के संबंध में महाविद्यालयों की संग्रहण केंद्रों की सूची, आंसर शीट सबमिट करने की सूची आ चुकी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरी सूची आ चुकी है। यहाँ पर जो लिस्ट का नाम दिया गया है, सबसे पहले जबलपुर जिला है। तो जबलपुर जिले के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, उन जिन कॉलेजों में आपकी आंसर शीट सबमिट होनी है, उन कॉलेजों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप एक एक करके सभी नाम देख ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो भी जबलपुर के स्टूडेंट हैं। ओके, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो जबलपुर ज़िले के यहाँ पर टोटल नाम आ चुके हैं, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं सभी जिलों जो जबलपुर ज़िले के अंतर्गत आ चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम कटनी ज़िला के अंतर्गत देख लेते हैं। तो कटनी ज़िले के अंतर्गत जहाँ पर आपकी कॉपियाँ सबमिट होनी है, उनके नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, मंडला ज़िले की यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है, इसके बाद दोस्तों जो दी गई है डिंडौरी की, और इसके बाद में दी गई है नरसिंहपुर की। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीन शॉट भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद सिवनी की दी गई है। ओके, इसके बाद बालाघाट की, छिंदवाड़ा की, और इसके बाद में दोस्तों हम नीचे आ जाते हैं एक एक करके, और यहाँ पर सभी ज़िलों की लिस्ट दी गई जहाँ पर आपकी RDBB यूनिवर्सिटी से संबंधित जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होने। अब शासकीय महाविद्यालय जबलपुर की लिस्ट आ चुकी है, अभी वो अशासकीय की, अब शासकीय की आ चुकी है। तो शासकीय महाविद्यालय कटनी की लिस्ट आ चुकी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा नीचे आने तो शासकीय महाविद्यालय मंडला की लिस्ट आ चुकी है, यहाँ पर मंडला ज़िले के नाम दिए गए हैं सभी, और यहाँ पर डिंडौरी ज़िले की लिस्ट आ चुकी है, शासकीय महाविद्यालय डिंडौरी की। इसके बाद शासकीय महाविद्यालय नरसिंहपुर, और इसके बाद में शासकीय महाविद्यालय सिवनी। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिवनी की है, और इसके बाद शासकीय महाविद्यालय बालाघाट की लिस्ट आ चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शासकीय बालाघाट की और शासकीय महाविद्यालय, ये जो लिस्ट है वो छिंदवाड़ा की, शासकीय महाविद्यालय छिंदवाड़ा की। ओके, अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा नीचे आते जाते हैं और देख लेते हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी लिस्ट है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। तो यहाँ पर 222 कॉलेज हो चुके हैं टोटल। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो RDBB यूनिवर्सिटी है, उस RDBB यूनिवर्सिटी के 222 ऐसे कॉलेज जहाँ पर आप अपनी कॉलेज की जो आंसर शीट हैं, ओपन बुक परीक्षाओं की जो आंसर शीट है, उनको सबमिट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। तो 222 कॉलेज सभी जिलों की मैंने लिस्ट आपको बता दी है। ओके, आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं इस प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बाय।